नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास पिछले 10-12 दिनों से काफी बीमार चल रहे थे। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना। बुखार की समस्या से पीड़ित थे रघुवर दास ने आज रिम्स में अपना चेकअप करवाया। रिम्स में उन्होंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर अपना हेल्थ चेकअप करवाया और इसको लेकर रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुने। नहीं, ये सेहत उनका ठीक है बिल्कुल। ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, एक उम्र के बाद रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते रहना चाहिए। उसी सिलसिले में आए थे, पिछले 4 सालों से काफ़ी काम कर रहे थे, उसमें रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, आज रूटीन इन्वेस्टिगेशन किया गया है। कौन कौन से जांच किए गए? ये नॉर्मल जो रूटीन एक्सरे होते हैं, ब्लड होता है, ECG होता है, ये सब रूटीन में जैसे हर आदमी को 50 वर्ष की उम्र के बाद रूटीन कराते रहना चाहिए। तो आपको बता दें कि रघुवर दास जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है, वो वायरल फीवर से पीड़ित थे। लगातार कई दिनों से सर्दी जुकाम से वो पीड़ित थे और इसको लेकर डॉक्टर्स उन्होंने जांच करवाया। डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि वो अपना डेली हेल्थ चेकअप कराने के लिए आज रिम्स पहुंचे थे, जहां पर उनकी जांच की गई, एक्सरे और शुगर की भी जांच की गई, कई तरह के जांच उनके किए गए, ECG वगैरह भी किए गए और जिसमें उनका रिपोर्ट काफ़ी सामान्य आया है। उन्होंने बताया कि 4.5 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और इस दौरान वो कभी बीमार नहीं पड़े, लेकिन बीते 10-15 दिनों से वो कुछ बीमार चल रहे थे, जिसको लेकर आज उनका हेल्थ चेकअप किया गया। आप बने लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।